आज से कुछ दिन पहले जब पूनम पांडे ने अपने मरने का प्रोग्राम बनाने के बाद अपनी एक फोटो पे गेंदे के फूलों का हार चढ़ाया, तब नल्ले निब्बो और आवारा आशिकों ने उसकी फरियाद में श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी पीपड़ी की जो बांसुरी बजाई, बहन की उसके सामने तो जॉनी सिंह की शहनाई की भी बिगुल बज जाए। अभी मस्सा मस्सा इसको दो दिन नहीं हुए थे शिमला से शमशानगढ़ पहुंचे कि ये चमन चेंडू पूनम पांडे ने अवेयरनेस के नाम पर फरवरी के महीने में लोगों का अप्रैल फूल बना डाला। अबे अपनी इस खबर से इंस्टाग्राम रील्स के सहारे ये फांदी मार के ऐसे बाहर निकली मानो WWF की अंडरटेकर हो। अबे बचपन में जब माँ बाप वो शेर आया शेर वाले बच्चे की कहानी सुनाया करते थे तो अपने कान में कापूस और दिमाग की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बादाम खाने के बजाय किसी आवारा सांड का भूसा नहीं चरा होता तो आज इसी वाहिया स्कीम नहीं लगानी पड़ती। इसके चुदम्बर अनाउंसमेंट के बाद जब मार्केट में फैली तो लॉन्डियों ने अपने आवारा लॉन्डो से ही इंक्वायरी की, अरे पूनम पांडे का नाम सुना है क्या? तो ये लॉन्डे लपाड़ो ने मुंडी हिलाते हुए, ये पूनम पांडे कौन है बहन? किसी ऑर्केस्ट्रा में बैंड बजने का गाना गाने का कार्यालय चलाती है क्या? इस लेवल की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग का प्रदर्शन किया कि भेड़ की इसके सामने तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का भी लियोनार्डो डी छबड़ियो बन जाए। अबे ऊपर से न्यूज चैनल वाले भी कम गलीच नहीं है, अबे उसके टीम वालों ने अभी कैंसर से मरने की फेक न्यूज फैलाई थी कि ये मीडिया वालों ने उस पे भी चंकी चाट मसाला डाल के उसकी मैयत का तड़का लगा डाला। अरे उसका पति उसका मारता था, वो बोलती थी लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अरे वो जो अपने फैंस को बड़ा करती थी वो सुनने वाली चीज थोड़ी नहीं थी, वो तो देखने वाली चीज थी।